सुबह से ही लगातार वोटिंग जारी है, जिसमें जमकर जनता और दिग्गज नेता भाग ले रहे हैं। कंगना रनौत, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई बड़ी हस्तियों ने भी वोट डाले। तो वहीं लोकसभा के आखिरी और सातवें चरण का चुनाव चल रहा है। बिहार की 8 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य के साथ पाटलिपुत्र के वेटर्नी कॉलेज के बूथ नंबर 171 पर अपना वोट डाला। इसी दौरान मीडिया भी बूथ पर मौजूद रही। लालू बिना मीडिया से बातचीत किए ही गाड़ी में बैठ गए, लेकिन पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बोला कि इंडिया अलायंस 400 पार करके प्रचंड जीत हासिल करने वाला है। लालू की बेटी मीसा भारती ने भी पहली बार पाटलिपुत्र में वोट डाला और बोली कि मैं ये वोट उन मणिपुर की बहनों और बेटियों के लिए देना चाहती हूँ जिनका सार्वजनिक चीरहरण किया गया, ताकि मैं उनका सम्मान वापस दिला सकूं। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र से चुनाव मैदान में मीसा भारती को इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है और उनका मुकाबला है बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव से। तो वहीं रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी हैं, जहां पहले ही वोटिंग हो चुकी है। पाटलिपुत्र में अभी कुल 20,76,252 वोटर हैं। यहां पर 1,00,000 पुरुष वोटर महिलाओं से ज्यादा हैं। भाजपा का सीधा मुकाबला राजद की मीसा भारती से है। तो वहीं कुल 22 उम्मीदवार पाटलिपुत्र से लोकसभा सीट के लिए चुनाव में दावेदारी पेश कर रहे हैं।